नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं हाई स्कूल का जो पिछले साल 2022 में, ये देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था, आज हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप 2023 में हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं और अगर आपको नंबर ज़्यादा अच्छे प्राप्त करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है, तो हमने इससे पहले हिंदी का और इंग्लिश का ये पूरा पेपर समझाया है, दिखाया है, बताया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको पढ़ के जानना है और कैसे आपको नंबर ज़्यादा लाना भी है। मैंने कंप्लीट जानकारी दिया है। अगर आपने इससे पहले कि हमने दो वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक में हमने हिंदी बताया है और एक में हमने इंग्लिश पेपर को इसी तरह समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर दे सकते हैं या आप हमारे चैनल के जाकर वीडियो देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर में, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये देखिए, हमारा एक फ्रेंड का पेपर था तो मैंने उनसे मांगा कि भाई आप दे दो, तो मैं लोगों को जानकारी दे दूँ क्योंकि जिससे सबका फ़ायदा हो सके, है ना। हमारा उद्देश्य है कि सभी को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए और देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप देख, आशा करते हैं आपको देख रहा होगा फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ क्या हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल, आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था किसने लिखी, चौरी चौरा कांड किस घाट में हुआ, राजसूची का विषय क्या नहीं है, है ना, ये सब है। आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन ये आ गया, देखिए हमारा। इसी तरह एक क्वेश्चन देखिए आते हैं, आपको देख लेना है। तो मैंने और कायदे जूम कर दिए जिससे कि आपको क्लियर दिख सके। तो ये देखिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12-13 दिया है, देखिए हथवा में भी दिया हुआ है। ये देखिए लॉन्ग मानचित्र जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए कैसे आते हैं। ये देखिए सबका देखिए मार्किंग दिया हुआ है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आते हैं, सब देखिए दिखा हुआ है, आपको कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आप वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उचित और सही आंसर दूंगा। तो आप देख सकते हैं दो वस्तुओं के बीच आदान प्रदान किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको देख लेना है। मृत्यु दर, उपभोक्ता वन जीव पे, है ना, जल परिवहन, वायु परिवहन। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, है ना, कृषि की तीन समस्याओं का नाम लिखना है। देखिए हथवा में दिया रहता है कि आप एक छोड़कर एक दूसरा भी कर सकते हैं, आप किसी में से एक क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये देखिए हथवा में दिया हुआ है ना, ये मानचित्र वर्क जो आपको होता है, देखिए सब डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को रोक कर कायदे से हर एक चीज़ को पढ़ लीजिए जिससे कि आप पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो इतने मिलने की वीडियो में जानकारी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक सो मच।